नमस्कार, मैं रचना यदुवंशी हूं और आप मुझसे गोदान सुन रहे हैं। अब तक मैं आपको 57 यानी 57 अध्याय पढ़कर सुना चुकी हूं और आज मैं आपको 58वां अध्याय पढ़ के सुनाने जा रही हूं। 57 वे अध्याय तक क्या हुआ, बहुत थोड़ा सा क्रक्स मैं आपको बता देती हूं कि राय साहब जो है इलेक्शन लड़ना चाहते हैं काउंसिल का, इसलिए वो अपने मित्रों से पैसे मांग रहे हैं घर घर जाके। मिस्टर मेहता और मिस्टर खन्ना फिलहाल यहां से उन्होंने शुरू किया था और चूंकि वो फाइनेंशियल क्रंच में है और उनका जो उनकी दावेदारी है वो अगेंस्ट यानी वो जिसके खिलाफ लड़ने वाले हैं वो खुद एक जमींदार हैं और काफी संपन्न घराने से हैं, तो राय साहब को लगता है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन होना चाहिए काउंसिल का चुनाव लड़ने के लिए। उनकी बेटी की शादी भी सिर पर है, ये भी उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लास्ट 57 चैप्टर में मैंने आपको पढ़ के सुनाया था कि अब एक नया प्रसंग जोड़ दिया था प्रेमचंद जी ने उसमें कि मिस्टर मेहता और मिस्टर खन्ना साथ में बैठे हैं, मिस्टर मेहता आ जाते हैं वहां पर और उनसे बातचीत होती है, तो ये पता चलता है कि मिस्टर मेहता जो हैं वो एक विमेन जिम यानी महिलाओं की व्यायामशाला खोलने जा रहे हैं शहर में और उसका उद्घाटन वो करवाने जा रहे हैं मिस्टर खन्ना की पत्नी गोविंदी से। ये सनसनीखेज खुलासा होता है मिस्टर खन्ना के सामने क्योंकि उनको पता नहीं है कि गोविंदी ऐसे किसी जिम का इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन करने जा रही हैं और वो बड़े खिल हो जाते हैं अंदर से इस बात पे कि गोविंदी ने इस बात का जिक्र उनसे नहीं किया। मिस्टर मेहता अपने जिम के लिए चंदे की किताब लेके घूम रहे हैं और मिस्टर मेहता से मिस्टर खन्ना क्यों चिढ़ते हैं ये आप अभी तक सारे सुधीर पाठकगण जान चुके हैं क्योंकि मिस मालती को लेकर के जो अनबन है दोनों में वो उसको लेकर के मिस्टर मेहता और मिस्टर खन्ना स्पेशली मिस्टर खन्ना जो है वो मेहता से काफी चिढ़े से रहते हैं और जब वो चंदे की बात होती है तो वो काफी इरिटेट होके चिढ़ करके वो काफी तंज भरी बातें कहते हैं कि महिलाओं को जिम करने की क्या आवश्यकता है, जो घर का काम करती है उन्हें ऐसे किसी जिमिंग की जरूरत नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन राय साहब चंदे में 5,500 रुपए दे देते हैं, ये देख करके मिस्टर खन्ना जो है वो और भी ज्यादा उन्हें अच्छा नहीं लगता। खैर ये सब होकर के चले जाते हैं, मिस्टर मेहता कहते हैं कि लेडी विल्सन भी आ रही हैं उस इनॉग्रेशन में और काफी बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और बहुत बड़े बड़े लोगों ने चंदा भी दिया है ऐसा वो बता के और ये सब अपनी जानकारी देके चले जाते हैं। बाद में मिस्टर मेहता मतलब राय साहब अपनी चिंता में है कि उनको पैसा नहीं मिला और मिस्टर मेहता ने भी और मिस्टर खन्ना ने दोनों अपने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन जिक्र वो उसका शुरू कर देते हैं मिस्टर मेहता की, देखिए गोविंदी को मुझे बताना चाहिए था, वो मेरी पत्नी है और मुझे पता भी नहीं है कि वो ऐसे किसी जिम का इनॉग्रेशन करने जा रही है। तो राय साहब हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ पत्नी का धर्म होता है कि कोई बड़े काम करने से पहले कम से कम अपने पति से राय मशवरा कर ले। ये सब बात होती है और मिस्टर मेहता तो चले जाते हैं, खन्ना जो है घर आते हैं लौट करके और बहुत ही खिन्न मुद्रा में अब वो गोविंदी से बात करना शुरू करते हैं इस विषय में कि उन्हें क्यों नहीं बताया और बल्कि वो ये कहते हैं कि तुमने कैसे स्वीकार कर लिया ये इनविटेशन और मुझे नहीं बताया, बल्कि कोशिश करते हैं गोविंदी को ये कन्विंस करने के लिए कि मिस्टर मेहता बहुत एक चालू किस्म के आदमी हैं और वो पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं और उनसे उनपे दबाव बनाने की कोशिश करते हैं गोविंदी से कि तुम रिफ्यूजल लेटर लिख दो, एक इनकारी खत लिख दो कि तुम नहीं आ पाओगी। यहां मैंने आपको छोड़ा था और ये अब लंबा चलने वाला है पति पत्नी का कॉन्वर्सेशन, तो ये मैं आपको 58वें अध्याय में आज पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। जब वो उनसे कहते हैं कि तुम एक लेटर लिख दो कि तुम नहीं आ पाओगी, तो गोविंदी क्या कहती है सुनिए। गोविंदी ने एक क्षण सोच कर कहा तो तुम लिख दो ना, मैं क्यों लिखूं, बात तुमने की है तुम लिखो, डॉक्टर साहब कारण पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी, बताना अपना सिर और क्या, मैं इस व्यविचारशाला की को एक ढेला भी नहीं दूंगा, तो तुम्हें देने को कौन कह रहा है। खन्ना ने होठ चबाकर कहा कैसी बेसमझी की सी बातें कर रही हो, तुम वहां नींव रखोगी और कुछ दोगी नहीं तो संसार क्या कहेगा। गोविंदी ने जैसे संगीन की नोक पर कहा अच्छी बात है लिख दूंगी, आज ही लिखना, कह तो दिया लिख दूंगी। खन्ना बाहर आए और डाक देखने लगे, उन्हें दफ्तर जाने में देर हो रही थी तो चपरासी घर पर ही डाक देकर के चला गया था। शक्कर तेज हो गई, खन्ना का चेहरा खिल उठा, दूसरी चिट्ठी खोली, ऊख की देर नियत करने के लिए जो कमेटी बैठी थी उसने तय कर लिया कि ऐसा कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता। धत तेरी की, वो पहली वही बात कर रहे थे। इस पर अग्नोत्री ने
गुल मचाकर जबरदस्त कमेटी बैठाई, आखिर बच्चों के मुंह पर थप्पड़ लगा। यह मिल वालों और किसानों के बीच का मामला है, सरकार इसमें दखल देने वाली कौन होती है। सहसा मिस मालती कार से उतनी, कमल की भांति खिली, दीपक की भांति दमकती, स्फूर्ति और उल्लास की प्रतिमा सी निशंक निर्द्वंद, मानो उन्हें विश्वास है कि संसार में उनके लिए आदर और सुख का द्वार हमेशा खुला हुआ है। खन्ना ने बरामदे में आकर अभिवादन किया। मालती ने पूछा, क्या मेहता आए थे यहाँ? हाँ आए तो थे। कुछ कहा, कहाँ जा रहे हैं? ये तो कुछ नहीं बता के गए। जाने कहाँ डुबकी लगा गए, मैं चारों तरफ घूम आई। आपने व्यायामशाला के लिए कितना दिया है? खन्ना ने अपराधी स्वर में कहा, मैंने इस मामले को अभी समझा नहीं है। मालती ने बड़ी बड़ी आंखों से तरेरा, मानो सोच रही हूँ कि उन पर दया करे या रोष। इसमें समझने की क्या बात है, और समझ लेते आगे पीछे, इस वक्त तो आपको कुछ देना ही चाहिए था। मैंने मेहता को ठेल कर यहाँ भेजा था, बेचारे डर रहे थे कि आप न जाने क्या जवाब दें। आपकी इस कंजूसी का क्या फल होगा आप जानते हैं? यहाँ के व्यापारी समाज से कुछ न मिलेगा। आपने शायद मुझे अपमानित करने का निश्चय कर लिया है। सबकी सलाह थी कि लेडी विल्सन बुनियाद रखें। मैंने गोविंदी देवी का पक्ष लिया और लड़कर सबको राजी किया, और आप फरमा रहे हैं कि आपने इस मामले की जांच ही नहीं की। आप बैंकिंग की गुत्थियां समझते हैं, और इतनी मोटी बात आपको समझ में नहीं आई। इसका अर्थ इसके सिवा कुछ नहीं है कि आप मुझे लज्जित करना चाहते हैं, है ना यही बात? मालती का मुख लाल हो गया। खन्ना घबराए हेकली जाती रही, पर इसके साथियों ने यह भी मालूम हुआ कि अगर वो कांटों में फंस गए तो मालती दलदल में फंस गई है। अगर उनका थैलियों पर संकट आ पड़ा है तो मालती की प्रतिष्ठा पर संकट आ पड़ा है, जो थैलियों से ज्यादा मूल्यवान है। तब उनका मन मालती की दुरावस्था का आनंद क्यों न उठाए। उन्होंने मालती को अर्दम में डाल दिया था, और यद्यपि वह उसे रुष्ट कर देने का साहस खो चुके थे, पर दो चार खरी खरी बातें कह सुनाने का अवसर पाकर छोड़ना नहीं चाहते थे। यह भी दिखा देना चाहते थे कि वो भोंदू नहीं है। उनका रास्ता रोक कर बोले, तुम मुझ पर इतनी कृपालु हो गई, इस पर मुझे आश्चर्य हो रहा है मालती। मालती ने भवे सिकोड़ कर कहा, मैं इसका आशय नहीं समझती। क्या अब मेरे साथ तुम्हारा यही बर्ताव है जो कुछ दिन पहले था? मैं तो इसमें कोई अंतर नहीं देखती, लेकिन मैं तो आकाश पाताल का अंतर देखता हूँ। अच्छा, मान लो तुम्हारा अनुमान ठीक है, तो फिर मैं तुमसे एक शुभकार करने, मैं सहायता मांगने आई हूँ, अपने व्यवहार की परीक्षा देने नहीं आई हूँ। और अगर तुम समझते हो कुछ चंदा देकर तुम यश और धन्यवाद के सिवा कुछ और पा सकते हो, तो तुम भ्रम में हो। खन्ना परास्त हो गए, वैसे सकरे कोने में फंस गए थे जहाँ इधर उधर हिलने का भी स्थान नहीं था। क्या यह कहने का साहस रखते हैं कि मैंने अब तक तुम्हारे ऊपर हजारों रुपए लुटा दिया, क्या उसका यही पुरस्कार है? लज्जा से उनका मुंह छोटा सा निकल आया, जैसे सिकुड़ गया हो। झिपते ही बोले, मेरा आशय यह नहीं था मालती, तुम बिल्कुल गलत समझी। मालती ने परिहास के स्वर में कहा, खुदा करे मैंने गलत समझा हो, क्योंकि अगर मैं उसे सच समझ लूंगी तो तुम्हारे साए से भी भागूंगी। मैं रूपवती हूँ, तुम मेरे अनेक चाहने वालों में से एक हो। यह मेरी कृपा थी कि जहां मैं औरों के उपहार लौटा देती थी, तुम्हारे सामान्य से सामान्य चीजें भी मैं धन्यवाद के साथ स्वीकार कर लेती थी, और जरूरत पड़ने पर तुमसे रुपए मांग भी लेती थी। अगर तुमने अपने धनोन्माद में इसका कोई दूसरा अर्थ निकाल लिया, तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी। यह पुरुष प्रकृति का अपवाद नहीं है, मगर यह समझ लो कि धन से आज तक किसी के नारी के हृदय पर विजय नहीं पाई जा सकी, और कभी न कोई ऐसा कर पाएगा। खन्ना एक शब्द पर मानो गजगज भर नीचे धसते जा रहे थे, और अब ज्यादा चोट सहने का जीवट नहीं था। लज्जित होकर बोले, मालती तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, अब और जलील न करो, और न सही तो मित्र भाव तो बना रहने दो। ये कहते हुए दराज से चेक बुक निकाली, 1000 लिखकर डरते डरते मालती की तरफ बढ़ा दिए। मालती ने चेक लेकर निर्दय व्यंग किया, ये मेरे व्यवहार का मूल्य है या व्यायामशाला का चंदा? खन्ना सजल आंखों से बोले, अब मेरी जान बख्शो मालती, क्यों मेरे मुंह पर काली पोत रही हो? मालती ने जोर से कहा, हमारा देखो डांट बताई और 1000 रुपए भी वसूल किए, अब तो तुम कभी ऐसी शरारत नहीं करोगे, कभी नहीं, जीते जी कभी भी नहीं। कान पकड़ो, कान पकड़ता हूँ, मगर अब दया करके जाओ और मुझे एकांत में बैठकर सोचने और रोने दो। तुमने आज मेरे जीवन का सारा आनंद कहके उन्होंने बाकी अधूरा छोड़ दिया। मालती और जोर से हंसी, देखो खन्ना, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, और तुम जानते हो रूप अपमान नहीं सह सकता। मैंने तुम्हारे साथ भलाई की हो और तुम उसे बुराई समझते हो। खन्ना विद्रोह भरी आंखों से देखकर बोले, तुमने मेरे साथ भलाई की है या उल्टी छुरी से मेरा गला रेता है? क्यों, मैं तुम्हें लूट लूट कर अपना घर भर रही थी, तुम उस लूट से बच गए। क्यों घाव पर नमक छिड़क रही हो मालती, मैं भी तो आदमी ही हूँ। मालती ने इस तरह खन्ना को देखा मानो निश्चय करना चाहती थी कि वह आदमी है या नहीं।
अभी तो मुझे इसका कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। तुम बिल्कुल पहेली हो, आज यह साबित हो गया। हाँ, तुम्हारे लिए पहेली हूँ और पहेली ही रहूंगी। यह कहती हुई वह पक्षी की भांति फुर से उड़ गई और खन्ना सिर पर हाथ रख के सोचने लगे, यह लीला है या इसका सच्चा रूप है। आज मैं यही खत्म कर रही हूँ क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि अगले प्रसंग में हमें प्रेमचंद जी फिर गोबर झुनिया और रूपा के संसार में ले जाने वाले हैं। तो अर्बन से रूरल की तरफ स्विच होगा अगले हफ्ते 59वें अध्याय के लिए। आज यही खत्म करते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। बने रहिए रचना अर्बन जी के साथ और प्रेमचंद जी के गोदान के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।